प्रताप नगर पुलिस थाना अंतर्गत एक देह व्यापार का मामला उजागर हुआ है, जहां खामला स्थित अमन जेना स्पा में विशेष सर्वे की आड़वे देह व्यापार चल रहा था। तो वही खोजबीन के दौरान पता चला कि पैसों का लालच देकर पीड़िताओं को देह व्यापार के लिए परावृत किया जाता था। ज्ञात हो कि देश की कई संगठनों में पाया गया है कि स्पा के नाम पर देह व्यापार का गिरोह चला जाता है। उसी तरह अमन जेना स्पा शॉप क्रमांक 177 अपार्टमेंट खामला में स्पा के नाम पर देह व्यापार चला जा रहा था, जहां साधारण स्पा के लिए 2000 तो वही विशेष सर्विस के नाम पर 1000 अतिरिक्त ऐसा शुल्क निर्धारित किया गया था, जिसकी गुप्त सूचना सामाजिक सुरक्षा विभाग को मिली, जिसके चलते पंटर के माध्यम से कल शाम 6 बजे इस सेंटर पर छापेमारी की गई, जहां अंबेडकर नगर कंट्रोलवाड़ी निवासी 34 वर्षीय नरेंद्र महेश उकी, बकुताई नगर सोनबा नगर खड़गांव रोड लावावाड़ी निवासी उम्र 38 वर्षीय सरोज मनोज वर्मा एवं 35 वर्षीय पवार किराना शॉप हिलटॉप रामनगर निवासी मनीषा सुरेश फरकाड़े को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि इस गिरोह से 4 तलाकशुदा महिलाओं को छुड़ाया गया है, जिन्हें पैसों का आमिष देकर आरोपियों ने इस कीचड़ में फंसाया था। पुलिस थाने राणा प्रताप नगर हद्दीत अमन जेना स्पा खामला इथे अवैधरित्या देह व्यापार सुरू आहे अशी माहिती क्राइम ब्रांच SSB पथकाला प्राप्त झाली होती। तर त्यांच्या वतीने SSB पथकाचे पोलीस निरीक्षक सरीन दुर्गे साहेब यांच्या पथकाने सदर ठिकाणी स्टाफ सह रेड कारवाई करून तिथे जो देह व्यापाराचा अड्डा चालत होता तो उद्ध्वस्त केला आहे, आणि तिथून त्या कारवाई मार्फत त्यांनी 3 आरोपी पकडले आहेत, त्यात 1 पुरुष 2 महिला आहेत आणि 4 पीडित यांची सुटका केलेली आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेंबरे की रिपोर्ट।